हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी डॉट में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं टू द पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। क्या है करंट अफेयर्स? डायरेक्ट टू मोबाइल। डायरेक्ट टू मोबाइल इसका नाम क्या है, समझ लीजिए पूरी बात को। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा है, उसमें लिखा है बिना सिम कार्ड बिना इंटरनेट के भी आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, कर पाएंगे। कैसे करेंगे पूरी बात समझेंगे। डायरेक्ट टू जो मोबाइल स्कीम है या कह सकते हैं जो ऑप्शन आने वाला है वो चर्चा में है, क्यों है, प्रमुख बिंदु क्या है और डी टू एम तकनीक के बारे में समझेंगे कैसे कार्य करेगी, साथ में तकनीक का महत्व क्या है, इस महत्व के बारे में समझेंगे और आपके लिए इस तरीके के प्रश्न भी होंगे। तो एक प्री के लिए होगा प्रश्न और एक होगा मेंस के लिए, जिसको आपको कमेंट में बताना होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि अपना ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप नाम से। किस नाम से आ चुका है? नट लर्निंग ऐप नाम से आप आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे भी जाके क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे प्ले स्टोर से। ठीक है, सपनों को हकीकत में बदलने का सफर यहां से शुरुआत हो जाएगा आपका। एंड्रॉयड ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। वहां पे आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो तो मिलती है लेकिन आपको पीडीएफ नहीं मिलती थी अभी तक, अब आपको पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जैसे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हुई, वीकली करंट अफेयर्स की हुई, टॉपिक पे हुई, और सबसे बड़ी बात टेस्ट सीरीज, याद रखिएगा, जिसके लिए आप लोग इधर उधर भटकते हो, टेस्ट सीरीज आप फ्री में लगा सकते हैं, केवल ₹1-₹2 में लगा सकते हैं। बहुत सारी फ्री में भी है, जैसे कि नर्सिंग की टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पे डाली हुई है, 630 टेस्ट पेपर है। कितना? 630, 1-2-3 की बात नहीं कर रहे हैं, 630 टेस्ट पेपर और हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप जाइएगा ऐप पे, डाउनलोड करिएगा और अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो करंट अफेयर्स पे चलते हैं। डायरेक्ट टू मोबाइल क्या है इसके बारे में पूरी बात समझेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चर्चा में क्यों है? तो सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार के द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। कौन सी? भारत सरकार के द्वारा 2025 तक, केवल एक साल की बात है बस, 2025 तक ऐसी तकनीक लॉन्च करने के लिए योजना बना रही है जिसमें बिना सिम कार्ड के और बिना इंटरनेट के, याद रखिएगा, सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। जब इंटरनेट और सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी तो रुपए पूरी तरीके से आप बचा पाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी मोबाइल पर वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, बिना सिम कार्ड और इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल पर वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, याद रखिएगा, वीडियो स्ट्रीमिंग आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी बात अब आप समझे होंगे, 2025 तक आई जाएगी और इसका नाम रहेगा डायरेक्ट टू मोबाइल। इसके प्रमुख बिंदु क्या है उसको समझते हैं, किस तकनीक पे कार्य करेगी, किस पे कार्य करेगी। तो इसका नाम दिया गया है डायरेक्ट टू मोबाइल, मतलब की G2M। ठीक है, ब्रॉडकास्ट तकनीक पर यह कार्य करेगी। कौन सी? ब्रॉडकास्ट तकनीक होती है, उस तकनीक पर यह कार्य करेगी। इस तकनीक को सभी मंत्रालय का समर्थन मिल चुका है, इसमें कोई भी अब दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो मेगाहर्ट्ज का होता है उस संभावना जताई जा रही है कि 470 से लेकर 582 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को रिजर्व किए जाने की संभावना जताई जा रही है। वर्ष 2023 में डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक की टेस्टिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। किन शहरों में? बेंगलुरु में, कर्तव्य पथ पर और नोएडा में चलाए गए थे। कहां पे? बेंगलुरु, कर्तव्य पथ और नोएडा में चलाए गए और इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। याद रखिएगा, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्ट टू मोबाइल की टेस्टिंग हो चुकी है। इसका जो परीक्षण है वो 19 शहरों में किया जा रहा है। कितने शहरों में? 19 सिटी में, याद रखिएगा, 19 शहरों में इसका परीक्षण करने की संभावना बताई जा रही है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। कैसे कार्य करेगा इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कार्य करेगा ये, यहाँ पे जैसे कंटेंट है, कंटेंट ब्रॉडकास्ट से जुड़ा, सॉरी ब्रॉडबैंड से जुड़ा, यहाँ ब्रॉडकास्ट से इसको सिग्नल मिला और यहाँ पे ब्रॉडबैंड ने आपके मोबाइल पे दे दिया और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ने यहाँ पे मोबाइल से ब्रॉडकास्ट को, ब्रॉडबैंड को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये एक दूर से इंटरलिंकिंग रहेगा और ये कार्य करेगा। अब इसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। जैसे फायदा, जिसको गलत काम नहीं करना है उसके लिए फायदा ही फायदा है। अब बिना सिम कार्ड के, बिना रिचार्ज के सब कुछ इंटरनेट फ्री वगैरह चलाएगा, है ना। अब जिसको गलत काम करना है उसके लिए थोड़ा सा यार दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पूरा डेटा रहेगा आईपी एड्रेस पर। साथ में क्या बता रही है कि डी टू जो तकनीक है वो तकनीक के बारे में समझते हैं। डायरेक्ट टू मोबाइल क्या तकनीक का नाम है? तकनीक का नाम है डायरेक्ट टू मोबाइल, याद रखिएगा, डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक का नाम है।
यह ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट का मिश्रण है, दोनों का मिला जुला रूप है ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट का। इसमें मोबाइल पर वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। याद रखिएगा, मैंने आपसे बोला है कि इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता इसमें नहीं होगी, ना सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी और ना ही इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी किसी में वीडियो स्ट्रीमिंग में। यह उसी तकनीक पर कार्य करेगा जैसे एफएम रेडियो प्रसारित होता है। आप लोग रेडियो सुनते हो, रेडियो में किसी नेट की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है, और ना ही रेडियो में किसी सिम कार्ड की आवश्यकता होती है। तो ये ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट तकनीक पर कार्य करता है। उसी तरीके से 2025 तक संभावना जताई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। बहुत बहुत स्पीड में कार्य भी हो रहा है। टेस्टिंग देखो आप 3 जगह हो चुकी है, 19 शहरों में लागू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत अच्छे तरीके से कार्य हो रहा है। तो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिना सिम कार्ड बिना इंटरनेट के। जिस तरीके से फोन में लगा रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ेगा, उसी तरीके से ये कार्य करेगा। जिस तरह से फोन में रिसीवर लगा होता है ना, रेडियो रेडियो पकड़ता है, तो उसी तरीके से ये वीडियो स्ट्रीमिंग भी कार्य करेगा। बिना किसी डेटा खर्च वाली तकनीक को D2H की तरह कार्य करेगी। यार रखिएगा, जैसे बिना तकनीक वाली आप DTH लगाते हो ना, जिसको D2H कहते हैं, डायरेक्ट टू होम। क्या कहते हैं? हम डायरेक्ट टू होम कहते हैं इसको, डायरेक्ट टू होम कहते हैं। तो उसी तरीके से DTH लगाते हैं, उसी तरीके से इसमें कोई भी खर्चा नहीं आएगा और इस तकनीक का लाभ उठा पाएंगे। जिस तरह बिना इंटरनेट के टीवी चैनलों का आनंद लेते हैं, मैंने आपको बताया है, उसी ठीक वैसे ही मोबाइल फोन पर भी संभव होगा और मोबाइल फोन का आनंद भरपूर मात्रा में ले पाएंगे। बढ़िया, वीडियो कॉल करो, अमेरिका करो, चाहे यहां करो, भारत में करो, बैठे तमिलनाडु में हो, करो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर के लद्दाख तक, है ना? बढ़िया है, फ्री में कर रही हो, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त, कोई दिक्कत नहीं है। इस तकनीक का लाभ लेने के लिए एक विशेष चिप की आवश्यकता होगी, लेकिन याद रखिएगा किस चीज की आवश्यकता होगी? चिप की आवश्यकता होगी। वो चिप या तो भारत सरकार के द्वारा मिलेगी, या फिर कह सकते हैं हर फोन में इसको इंटीग्रेटेड करके दिया जाएगा। जिस तरीके से हम रेडियो पे देखते हैं, रेडियो के लिए भी तो कुछ नहीं लेना पड़ता है ना, रेडियो के लिए अलग से कुछ लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता है, लेकिन ये कार्य करती है क्योंकि उसमें इंटीग्रेटेड कोई चिप होती है ऐसी कि वो सिग्नल पकड़ती है ब्रॉडकास्ट या ब्रॉडबैंड से। तो उसी तरीके से इसमें भी ये सब सम्मिलित किया जाएगा। आगे की देखेंगे, प्रक्रिया जो भी होगी समझेंगे, लेकिन इस तकनीक को समझो जो D2M मोबाइल तकनीक है, इसमें वीडियो, ऑडियो और डेटा सिग्नल को सीधे मोबाइल पर प्रसारित करने के लिए टेरेस्ट्रियल, याद रखिएगा, टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ब्रॉडकास्टर द्वारा सुझाए गए स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाएगा या होगा। तो इसमें वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, यार किसके लिए? वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए और डेटा सिग्नल के लिए, यार रखिएगा, डेटा सिग्नल के लिए। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये सीधे सीधे ही टेरेस्ट्रियल टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ब्रॉडकास्टर दोनों का स्पेक्ट्रम होगा और इसमें उपयोग किया जाएगा। इसे सांख लैब, याद रखिएगा, इसे सांख लैब और IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप बता सकते हैं इसको किसके द्वारा? इसको सांख लैब और IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया जा रहा है या विकसित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस तकनीक का महत्व क्या है? महत्व भी समझते हैं, इस तकनीक का जो महत्व है इसके बारे में समझो। टीवी कंटेंट को अधिक लोगों तक भेजने के लिए फोन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। जो टीवी कंटेंट होता है, जैसे हम टीवी में न्यूज देखते हैं या टीवी के सीरियल देखते हैं, टीवी मूवी देखते हैं, जो टीवी का कंटेंट है उस टीवी कंटेंट को मोबाइल फोन पर ही सबसे बढ़िया तरीके से भेजा जाएगा, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा। उपयोगकर्ता तक पहुंचने वाला 69% कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में होता है। जो उपयोगकर्ता होते हैं, जो हम आप यूजर्स हैं, याद रखिएगा, जो हम आप यूजर्स हैं, उस यूजर्स का जो 69% कंटेंट होता है वो वीडियो के माध्यम से ही होता है फॉर्मेट में, क्योंकि आजकल का जमाना भी है। बिना डेटा के वीडियो सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित भी होगी। मान लो जिस डेटा में वीडियो नहीं है, तो उसमें क्या डेटा नहीं होगा? उसमें भी डेटा होगा, वो भी वहां पे उपलब्ध किया जाएगा, या फिर ऑडियो के माध्यम से किया जाएगा, या फिर किसी अदर डेटा के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ऑडियो, वीडियो और डेटा बहुत बढ़िया कार्य करेगा और ये फ्री रहेगा। स्मार्टफोन के 80 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं, जो कि 2026 तक 100 करोड़ हो जाएंगे। अनुमान जताया जा रहा है कि अभी वर्तमान में 80 करोड़ यूजर्स हैं, लेकिन वर्तमान के बाद अगर भविष्य की बात करें 2026 तक 100 करोड़ आंकड़ा पार करने की बात की जा रही है। यह तकनीक देश भर में लगभग 8 से 9 करोड़ घरों तक पहुंचने में मदद करेगी। यह तकनीक क्या होगा? जो टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, डी टू एम
वो 8 से 9 करोड़ घरों तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। देश के 28 करोड़ घरों में से केवल 19 करोड़ के पास टेलीविजन सेट है। सोचिएगा, देश में 28 करोड़ अगर घर है उनमें से देखा जाए केवल 19 करोड़ के पास क्या है, टेलीविजन के सेट है। बाकी के कम से कम लगभग 10 करोड़ लोगों के पास टेलीविजन सेट नहीं है, लेकिन फोन की उपलब्धता है तो उनके पास ये चीजें पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं लाभदायक बनेंगी। साथ में वीडियो ट्रैफिक का 25 से 30% D2M ट्रांसफर होने पर 5G नेटवर्क पर ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। आप समझे, जब एक ही चीज पे जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं उस पे दिक्कत भी होती है। दिक्कत तो क्या होती है, हैकर्स की संभावना बढ़ जाती है, मेलवेयर की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए वीडियो ट्रैफिक पर 25 से 30% यहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी तकनीक होगी जिसपे बहुत से लोग उस पर ही मूव करेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे 5G पर भी ट्रैफिक कम होगा, तो 5G भी जो यूजर्स हैं अच्छे तरीके से उसका लाभ उठा पाएंगे। देश में डिजिटल जो बदलाव है वो तेजी से आएगी, जो देश में डिजिटलाइजेशन हो रहा है वो और तेजी से बदलेगा। IIT कानपुर के अनुसार ब्रॉडकास्टर D2M नेटवर्क से निम्नलिखित सुविधाएं भी संभव होंगी। कौन कौन सी सुविधाएं संभव हो सकती है, क्षेत्रीय टीवी की सुविधा हो सकती है, एजुकेशनल कंटेंट। याद रखिएगा, आज के समय में एजुकेशनल जो कंटेंट है वो मार्केट में ऑनलाइन ही हो गया है, क्योंकि हम भी आपको ऑनलाइन बता रहे हैं तो ऑनलाइन ही हो गया पूरा। अब आप भी मेरा कंटेंट को फ्री में देख पाएंगे, ना आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी और ना आपको सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से क्षेत्रीय कंटेंट के लिए लाभ होगा, एजुकेशनल कंटेंट के लिए लाभ होगा, क्षेत्रीय कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। याद रखिएगा, आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कार्य करेगा। जहां पे चक्रवात आते हैं, साइक्लोन वगैरह आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छे से कार्य करेगा। आपदा से जुड़ी सूचनाएं भी प्रदान कर पाएंगे, वही मैंने आपको बताया है। डेटा से चलने वाले ऐप की सुविधा, इसमें भी लाभ मिलेगा। इन सुविधाओं के लिए तुलनात्मक रूप से कम दाम को चुकाना पड़ेगा, या कहें कि बिल्कुल मुफ्त में ही मिलेगी, बिल्कुल मुफ्त में ही मिलेगी। तो इस तरीके से इसका लाभ भी बताया जा रहा है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको हर बार की तरह कमेंट में देना है। आंसर है, डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह तकनीक ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट का मिश्रण है। दूसरा कथन है, इसे लैब्स, सांख लैब्स और IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। एक आपके लिए मेंस का भी क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक की चर्चा करते हुए इसके महत्व का उल्लेख करें। हो सकता है पूरा क्वेश्चन आप मेंस का इसी वीडियो के माध्यम से आंसर दे पाए, बाकी कुछ और भी आप जोड़ सकते हैं पॉइंट अगर आपको आता है पता है तो डायरेक्ट टू तकनीक के बारे में बता सकते हैं, इसके महत्व के बारे में बता सकते हैं। बढ़िया सा आंसर लिख के आप कमेंट पे भेजिएगा, जिससे कि आपका चेक हो जाएगा। ठीक है, बाकी की आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे आप लोग देख लीजिए कहाँ पे क्या कंटेंट है, कैसा है, आपके लिए काम आएगा। थैंक यू।